मैं यही आप लोग से विनती करूंगी, पूरे पब्लिक से हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। होगा ना, ये तो सब को नाम बताया होगा, यही सब को नाम बताएगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए। हाँ हाँ, ये बोल रहा है कि मेरे साथ सेक्स करो, 500 रुपए ले लो, हम लोग का बोल रहा है सेक्स करने के लिए, हम लोग सेक्स करने वाले हैं, बताओ तो हम लोग धुआं धोने वाला है कि हम लोग सेक्स करने वाले हैं। इसका तबियत कैसे खराब हुआ है? उसको मारा गया है, मारने से हुआ है? हाँ हाँ, उसको मारा गया है, सब मारा है मिलके, ठीक है, 3-4 बंदा था, उसको मारा है। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग आए दुमरी बाजार से आए हैं, जामो थाना से। हम आपको दिखा देगी, देखिए किस हालत में यहाँ पे ये जो हुआ है, क्या हुआ है? कल रात को 6-7 बजे कहाँ पे आप लोग गए हुए थे? सामने एक बड़ा शिव मंदिर नहीं है जहाँ पर मेला हुआ था कल, उधर ही। इनको बोला था सेक्स करना है हमको, तो ये साफ साफ बोल दिया सेक्स नहीं करेगा। फिर दारू पी के लोग था, फिर इसको लात मारा, मेरे को बांध से मारा, उसको देखिए ना, उसको आँख से आँख के उधर निशान है अभी भी। आपकी भी पिटाई की गई? मेरे को बांध से मारा, देखिए अभी भी मेरे हाथ में निशान है, मेरे पीठ में, देखिए पीठ में मेरा निशान है। हम लोग 4 आदमी टोटल थे। अभी इनका क्या हालत है? देखिए ना, पड़ा है तो देखिए। तो आप लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे? लेकर नहीं जाएंगे, जब वो जब वो जो मारा है उसको उधर आएगा, वो लेकर जाएगा, पैसा को आप दीजिएगा, पैसा बोले डॉक्टर के पास, आप इलाज का पैसा आप दीजिएगा। और मानते हैं कि पैसा के अभाव में अगर इनकी मौत, आप दीजिए पैसा, आप भी लेके जाते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा मामला है, यही तो क्या है कि ना रखो, क्या क्या है आप बोलिए। अभी वो लड़का, आप लोग उनका इलाज क्यों नहीं करा रहे? कराए हैं, ले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में ले गए हैं, फिर बोलेगा वो लड़का पकड़ेंगे, पहले वो इंसान पैसा को छोड़ना होता है, हम नाचेंगे तब तो पैसा मिलेगा, या तो कौन से यार भत्ता हम लोग को पैसा देगा, हम किसी को खुशियाँ पर नाचेंगे वही तो पैसा मिलेगा, तभी तो हम इलाज पर नहीं कराएंगे। अभी आप लोग इलाज क्यों नहीं आप लोग कराए? देखो इलाज करवाऊँ गई थी लेकर, वो डॉक्टर साहब मना कर दिया से हम लोग के यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आप लोग ले जा सकते हो। फिर हम लोग सीधे बाजार में रोकी, तो बाजार वाले सब दुकान बंद करके भाग गया, थोड़ा साथ तो देता क्योंकि हम लोग के माँ बाप यहाँ पे थोड़े भी सब पब्लिक है, हम लोग के माँ बाप है, सब प्यार है, तो सीधे हम लोग इनको द्वार पे लाई, तो उनको फोन कर रही तुम आ जाओ, और वो बंदे के जो मारा उसका घर बता दो, तो बोल रहा तुम मेरे घर पे जाओगे तो गोली मार दूंगा, और वहाँ पे हंगामा करोगे तो रात को तुम्हारे रूम पे मैं लोग पूरे हंगामा करूंगा, बाई चांस हम लोग का डांस, हम लोग के प्रोग्राम पे चल जाऊंगी, एक दो डांसर है चाकू मार देवे, गोली मार देवे, धमकी तो दे ही रहा है बकायदा, गोली भी मार दे, फिर हम लोग कहाँ के रहूंगी। तो आप लोग थाना को नहीं बताई थी ये? हाँ। कल 7 बजे का घटना है। थाना को कॉल करी थी, थाना को कॉल करी थी, पुलिस का फोन नहीं मिला, फिर हम लोग हारदार के ही आई हूँ, हम लोग 70 से थक गई ना तब आई हूँ, पूरे हम लोग से थक गई तब यहाँ आई हूँ, बहुत परेशान होकर, पूरे रात से हम लोग खाना नहीं खाई, पूरे दिन नहीं खाना खाई हूँ, भूखे में यहाँ से पूरे डांसर सबको चक्कर आ रहे, देखो शकल पे 12 बज रहा है। अब बताइए कि उनकी स्थिति क्या है? ये उसकी स्थिति क्या है आप देख लो, सिर्फ ओनली सांस चल रहा है उसका, बस कब मर जाए कुछ पता नहीं है, अगर उसका मौत हो जाएगा तो हमको जान के बदले जान चाहिए, और कुछ नहीं, जान के बदले जान। और ये जो साठा बने थे ये उनका घर है? हाँ जी, जो साठा ये सबको जानते हैं, शायद ये साजिद रचा हो हम लोग के मारने के लिए, साटा बांधो जब आएंगे लास्ट प्रोग्राम हो जाएगा फिर हम लोग मारेंगे, बहुत गंदे तरीके, इतना इतना बाल नोच रखा है, ये बताओ साथी में लात मारा, पे लात मारा उसको, फिर इतना हालत हो रखा खराब, बांस से मारा, चारों डांसर का मारा बहुत गंदी तरीके से, अगर बाय चांस, और फोन पे भी बोल रहा है गोली मार दूंगा, ये करूंगा, देखो अभी भी धमकी दे रहा वो बंदा। कितने लोग मिल के मारपीट किए थे? उन लोग आए थे 8-9 जने, हमारे थे 4-5 बंदे। पैसे नहीं देने के लिए ये सब हुआ? किस पैसे नहीं, सेक्स करने के ऊपर हुआ था। अब देखो अगर सेक्स उसको करने का नहीं मन है तो तुम लोग मारोगे? अगर जिससे इंसान को दिल मिलता है ओनली उसको साथ, अगर हिजरो लोग करते हैं, लेकिन तुम सब बंदे दारू पी का भूत मारोगे जबरदस्ती करोगे ये अच्छी बात है? सबको पता बिहार में दारू बंद है, फिर भी 20 रुपए वाले पाउच खरीद लेगा पीकर जैसे शेर बन जाएगा, मैं उसे कोई है ही नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। चैन बकायदा तोड़ कर ले गया, कान के टॉपर्स, और 3 डांसर को मोबाइल ले गया,
सब कुछ लेकर भाग गया, साटा के पैसा चोरी करके भाग गया, साटा उटा सबको पैसे छीन कर भाग गया। और इनको बुला रही तो सब घर में, घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं यही आप लोग से विनती करूंगी, पूरे पब्लिक से हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। जनता से भी यही अपील है तो कृपया हम लोग का इंसाफ कीजिए, जैसे उसको किया है, आके उसका इलाज करवा दे। और हम लोग उससे बस एक ही बात पूछेगा कि भाई तूने मारा क्यों, तेरा उसका दोष क्या था? अगर वो सेक्स के लिए हाँ कर देती तो ठीक था, अगर उसने सेक्स के लिए मना कर दिया उसको कुत्तों की तरह मारा, क्यों हम लोग इंसान नहीं है? आए तो हमारे सरकार पुलिस वाले सब आ चुके हैं, आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे सरकार से यही अपील है, अगर नहीं होता तो हम लोग अपना खुद ही जान दे देंगे, पर हम लोग को इंसाफ चाहिए तो चाहिए। जान के बदले जान भी लूंगी, और सिवान जिला में बकायदा थाने में जब यहाँ जब आ रखे नहीं सुनेगा तो थाने में पूरे रोड जाम करके पूरे कपड़े उतार कर हंगामा करूंगी, और पूरे हिजरे के दे पे पेट्रोल डलवाऊंगी, खुद को भी डालूंगी और आग लगाऊंगी।